हेलो एवरीवन, क्लास सिक्स एंड इंग्लिश चैप्टर फिफ्थ और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल पार्ट थर्ड। इन प्रीवियस पार्ट वी हैव लर्न दैट नरेटर हैज गोन टू मिस बेम्स स्कूल एंड देयर ही न्यू डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। लेट्स कंटिन्यू नाउ। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट some of the children tell me that the dumb day is the most difficult। kuch bacche kehte hain ki jis din blind day hota hai woh hamare liye difficult hai, to kuch bacche kehte hain ki dumb yani jo bol nahi sakte, dumb day bahut difficult hota hai। kaise difficult hota hai dekhiye। we cannot bandage the children's mouth so they really have to exercise their will power। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it। मिस भी उन्हें बताती है कि बच्चे कहते हैं जब उनका डम डे होता है, यानी जिस दिन उन्हें गूंगा बन के पूरी क्रिया करनी होती है, तो बच्चों के मुंह पर उस दिन पट्टी नहीं बांध सकते। उन्हें खुद ही यह याद रखना होता है कि हमें नहीं बोलना है। आइए मेरे साथ गार्डन में चलते हैं और आप खुद देखिए कि बच्चे कैसा फील कर रहे हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। वहाँ पे मिस बीम उन्हें एक बालिका के पास ले गई जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्टर्स। मिस बीम उस बच्ची को कहती है यहाँ पे एक जेंटलमैन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा कहने के बाद वो हमको छोड़ के चली गई वहाँ से। डोंट यू एवर पीप। पीप मतलब होता है झांकना। तो जो नरेटर है वो गर्ल से पूछते हैं कि जब आपकी आंखों पे पट्टी बांधी है तो आप झांकते नहीं हो। आई आस्क्ड अ गर्ल, उन्होंने बच्ची से पूछा, तो बच्ची बोलती है ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। बच्ची उन्हें बताती है ऐसा करना तो चीटिंग होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो आवरफुल टू बी ब्लाइंड। बच्ची कहती है कि यह कितना बुरा होता है, मुझे इसका आइडिया तो नहीं है लेकिन अंधा होना बहुत ही बैड होता है। यू कांट सी अ थिंग, आप कोई भी वस्तु देख नहीं पाते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और हर क्षण ऐसे लगता है कि किसी वस्तु से हम टकरा ना जाए, किसी वस्तु से हमें चोट ना आ जाए, हम गिर ना जाए। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और ऐसा लगता है कि कहीं साइड में हम जाके बैठ जाएं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क। फिर नरेटर उनसे पूछते हैं कि जो आपके हेल्पर्स होते हैं क्या वो आपके लिए दयालु होते हैं। क्लियरली हाँ होते हैं, बट दे आर नॉट सच एस केयरफुल एज आई शैल बी वैन इट इज़ माई टर्न। पर जब मेरी बारी होती है तो जितना मैं केयरफुल होती हूँ उतना वे नहीं होते हैं। Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you try. बच्ची कहती है कि जो अंधे होते हैं उनके लिए कितना भयानक होता है कि वह कुछ भी देख नहीं पाते हैं, क्या एक बार आप try करेंगे देखकर। Shall I lead you anywhere? I ask. फिर narrator उनसे पूछते हैं कि मैं कहीं आपको छोड़ दूँ, मतलब आपकी मदद करूँ। Oh yes, she said. उसने कहा ओ हाँ। Let's go for a little walk। चलिए हम थोड़ा दूर चलते हैं। Only you must tell me about things। I shall be so glad when today is over। आप मुझे कुछ वस्तुओं के बारे में बताएंगे और मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरा आज का दिन ओवर हो जाएगा। The other bad days can't be half। और जो बाकी अदर डेज होते हैं as bad as this। मतलब वो कहती हैं कि जिस दिन ब्लाइंड डे होता है तो बाकी दिन तो इसके ज़्यादा बुरे वो इतने नहीं होते जितना ये होता है। हैविंग अ लैक टाई अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन। वो बताती हैं कि लैक टाई जब उनके पैर बांध दिए जाते हैं, एंड होपिंग, होप यानी होता है जंप करना, यानी क्रच एक भैंसा की होती है, तो जब उनका लैक डे होता है, उनका एक पैर बांध दिया जाता है और भैंसा की से उनको एक जंप करके चलना होता है। I guess having an arm tied up is a bit more troublesome।
बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प। वो कहती है कि लेकिन जब पीछे से हाथ डाल दिए जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हम हाथ की सहायता से खाते हैं तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, एंड थिंग्स लाइक दैट, और बहुत से वर्क होते हैं। आई डोंट थिंक आई माइंड बींग डीप फॉर अ डे, एट लीस्ट नॉट मच, बट बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। वो कहती कि जब हमारा मतलब अलग अलग डेज अलग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उसके लिए सबसे बड़ा डरावना जो होता है ब्लाइंड डे होता है। माय हेडेक ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मतलब बोलती है कि मुझे पहले से इसकी चिंता हो जाती है कि मैं कहीं चोट ना लग जाए, अगर ब्लाइंड डे होगा उस दिन मुझे कहीं लग ना जाए। ऐसा कहते वो बाद में पूछती कि वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पहुँचे हैं। इन द प्लेग्राउंड, नरेटर ने उन्हें रिप्लाई किया कि अब हम प्लेग्राउंड पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट में करेंगे। थैंक यू।